प्लांट सरीना में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पत्थर चट्टा प्लांट के बारे में बताएंगे। पत्थर चट्टा आप सभी को पता है कि ये आपके स्टोन्स को निकालने में बहुत काम का प्लांट है, बहुत कारगर है। और आयुर्वेद में इसके पत्तों के बारे में स्पेशली बताया गया है, ये किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किसी भी तरह का स्टोन अगर आपके बॉडी में है वो निकालने में ये बहुत फ़ायदेमंद पत्ता है। तो इसको कंज्यूम कैसे करें, इसका डोज कैसे हो, कौन से टाइम लेना है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। ये देखिए, इसको लगाने का भी बहुत है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। जस्ट आपको एक पत्ता इस तरह कट करना है और उसको गार्डन सॉइल में, आपकी गार्डन में, गमले में या मिट्टी में, जहाँ पर भी आपको लगाना है आप इसको लगा सकते हैं। ये सकुलेंट फैमिली से है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। आप इसको देख सकते कितने मोटे इसके है ना स्टीम हो गया है। तो ये बहुत ही हेवी प्लांट है और इसको आपको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई खाद ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ऑर्गेनिकली ये आपको मिल जाता है, अवेलेबल होता है आपके किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में। तो इसको हम कंज्यूम कैसे करें, कंज्यूम आपको इस तरह एक पत्ता हर सुबह इस तरह कट करना है, लीजिए, वॉश कीजिए, पान के पत्ते जैसे हम खाते हैं ना चबा चबा के, उस तरह आप इसको खाइए। जिसको भी अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, आसपास किसी को भी इस तरह का कोई भी इशू है, गॉल ब्लडर, किडनी स्टोन है ना, तो उसको आप बताइए कि इसको 7 डेज कंटिन्यूस चबा चबा के खाइए। चबा के खाने से इसके जो एंजाइम है, ये जो स्टोन है उसको उसका जो स्ट्रांगनेस है उसको कमज़ोर करता है और धीरे धीरे वो यूरिन से निकल जाता है। तो जो आपका स्टोन है वो मेल्ट होके, डाइल्यूट होके वो निकल जाता है। इसके अलावा भी और एक रेसिपी है जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको ले सकते। एक तो हो गया आपका खाली पत्ता इस तरह आपने लिया और चबा चबा के आप खा गए इसको, ठीक है। तो इसको आपने 7 दिन लिया या 5 दिन लिया। इसके अलावा ऐश गार्ड होता है, आपको पता है सफ़ेद कुमड़ा बोलते हैं या ऐश गार्ड बोलते हैं उसको, आप चेक कर लीजिएगा गूगल में ऐश गार्ड। तो वो वाइट कलर का जो कुमड़ा होता है ना वो होता है, तो उसका जूस बनाइए 1 गिलास और इस तरह 2 पत्ते लीजिए, पत्तों को पीस लीजिए, उसका 1 चम्मच से 1.5 चम्मच का जूस निकलेगा, वो जो जूस है ऐश गार्ड के जूस में मिलाइए, 5 दिन उसको लीजिए। तो आपका जो भी स्टोन होगा, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, वो यूरिनरी ट्रैक से निकल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ करे और ऑपरेशन से बचे। ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन रखिए, ऑपरेशन को इतना इजीली मत लीजिए, ऑपरेशन को है ना लास्ट ऑप्शन रखिए। जो भी आयुर्वेदा हमारे घर में जो प्लांट्स है वो हमको तंदुरुस्त रखने में हमेशा हेल्प करता है और ये प्लांट लगाना भी उतना ही ईजी है। फिर से मैं बता देती हूँ, इसका एक पत्ता इस तरह लीजिएगा और कट कीजिएगा, कट करके उसको उस गार्डन सॉइल में लगाइएगा। देखिए इस तरह एक पत्ते से इस तरह इसके रूट्स निकलते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि इतना कितना स्ट्रॉन्ग प्लांट है। तो ये अगर जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। देखिए एक पत्ते से इस तरह रूट्स आएंगे और इसी से फिर प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक पत्ता है फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको ये पत्ता दिखाया है कि कैसे दिखता है, कैसे कहाँ से रूट्स निकलते हैं और कैसे इसका प्लांट निकलता है। तो एक पत्ते से आप इसका प्लांट लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं एक ही पत्ते में और ये बहुत ही हेवी ग्रोथ वाला प्लांट है, पेरेनियल है, पूरे साल आपको ये प्लांट आपके घर में हरियाली देगा और आपकी हेल्थ को भी तंदुरुस्त रखेगा। तो प्लीज़ इस प्लांट को लगाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कोई और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।